नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, कल सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से क्यों मांग कर रही है पैसे के लिए। जो भी करना है हवाई अड्डे को लेके, वो राज्य सरकार खुद इसके ऊपर काम करे और हवाई अड्डा बनाना शुरू कर दे। इसी के ऊपर आज प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने जदयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इसके ऊपर। आप लोगों के समक्ष रखे हैं, कुछ और भी मसले हैं जो मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर नीतीश कुमार जी ने राजगीर में एयरपोर्ट बनने की बात क्यों की। आप सभी जानते हैं कि राजगीर को जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकसित किया है, देश ही नहीं पूरे दुनिया से सैलानी यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। अगर राजगीर के पास एक से एक ऐसी धरोहर है, पर्यटक स्थल है जिनको देखने के लिए लोगों का रुझान बहुत ज्यादा रहता है। राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय समेत कई वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर है। कुछ ही वर्षों में आपको नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बन रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, राजगीर में देश की रक्षा के लिए आयुध कारखाना भी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को देखने के लिए जब पर्यटक आते हैं, लोग आते हैं, तो उनकी सुविधा का ख्याल तो होना ही चाहिए। तथ्यों के सामने में आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि किस तरह से लगातार जो राजगीर में सैलानियों की, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं बोधगया के बराबर आ चुकी है। और देश के स्तर पर भी देखें तो पहले नीतीश कुमार जी के शासनकाल से पहले देश में के जितने भी सैलानी सफर करते थे घूमने के लिहाज से, उसमें बिहार का हिस्सा महज 0.6% हुआ करता था, लेकिन अब यह हिस्सा बढ़कर 2.3% हो चुका है, जो आंकड़ों से साफ तौर पर साबित होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं कि किस तरह से सुशील कुमार मोदी जी ने झूठ कहा है। सुशील कुमार मोदी जी ने झूठ कहा है बेहटा एयरपोर्ट को लेकर, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, दरभंगा और पटना के एयरपोर्ट को लेकर। मैं आपका बस थोड़ा समय लेकर उन बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बेहटा में बिहार की सरकार ने 108 एकड़ जमीन दे दी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्हें 8 एकड़ जमीन की अलग से जरूरत है, ताकि 108 एकड़ के अलावा जो 8 एकड़ की जमीन है उसमें पार्किंग की व्यवस्था हो सके। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक जो 108 एकड़ की भूमि आपको मिल चुकी है, आप उस पर बाउंड्री तक नहीं करवा पाए हैं और आप यह डिमांड रख रहे हैं कि 8 एकड़ मिलेगा तो हम पार्किंग करवाएंगे। अरे, पहले जो मेजर काम है वो आपको शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। सुशील कुमार मोदी जी को से आग्रह है कि अपनी सरकार से बात करें, ना कुछ हो तो संविधान में ही संशोधन करा दें ताकि राज्य की सूची में यह शामिल हो जाए और राज्य की सरकार ही इस दिशा में आगे बढ़ सके। पूर्णिया एयरपोर्ट पर चले आते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भी बिहार की सरकार जमीन उपलब्ध करवा चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है उनके लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बिहार की सरकार की तरफ से उत्तर की दिशा में जमीन उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें दक्षिण भाग में भी जमीन चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि जितनी जमीन अभी तक बिहार की सरकार ने मुहैया कराई है उसके तहत 25 लाख लगभग यात्रियों का आवागमन हो सकता है उस एयरपोर्ट से, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि भाई हमें इतनी जमीन आप उपलब्ध करा दें ताकि हम 60 लाख यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था कर सके। तो सोचना चाहिए कि भाई नया एयरपोर्ट दरभंगा बना है, इतने लोग वहां से यात्रा कर रहे हैं, वहां मात्र 12 लाख यात्रियों की यात्रा होती है पूरे साल में। पटना एयरपोर्ट जहां इतनी भीड़ होती है वहां भी महज 7 लाख यात्री ही यात्रा करते हैं, तो आप ऐसे अड़ंगे लगा रहे हैं। 25 लाख एक सफिशिएंट अमाउंट है, आप शुरुआत कर सकते हैं उससे, लेकिन आप ऐसे अड़ंगे लगा रहे हैं ताकि आगे काम बढ़ ही ना सके। दरभंगा एयरपोर्ट पर चले आते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए और जमीन मांगी गई थी, बिहार की सरकार उसके लिए कृतसंकल्पित है। वहां एयरपोर्ट पर विमान का परिचालन शुरू हो चुका है और 2023 तक और भी जो जमीन मांगी जा रही है उसको उपलब्ध कराया जाएगा बिहार की सरकार की तरफ से। लेकिन ताज्जुब की बात यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो भी यात्री सफर कर रहे हैं उनसे किराया बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। एक एक टिकट का किराया 25-25 हजार रुपए से ज्यादा है। पटना एयरपोर्ट की बात कर लें, पटना एयरपोर्ट की क्षमता 45 लाख तक ले जाने की बात है, उसके लिए 60 एकड़ जमीन, निजी जमीन भी मुहैया कराने की बात है। सरकार ने उसके लिए 2000 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं और पटना और बेटा में ज्यादा दूरी भी नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी भी है। सोचने की बात यह है कि पूर्णिया में अमित शाह जी आए थे, सुनकर ताज्जुब लगता है, देश के गृह मंत्री हैं, बिहार के लोगों को बहुत अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनसे। कितना सफेद झूठ कहते हैं, एक तरफ सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि जमीन मुहैया नहीं कराते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जी भरे मन से लोगों के सामने कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट तो शुरू करवा दिया हमने। आज भी सभी यात्री अमित शाह जी को खोज रहे हैं कि टिकट लेना है, बैंक अकाउंट में पैसे हैं,
टिकट कैसे मिलेगा अमित शाह जी जरा बता दीजिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा था बिहार में कम से कम 5-6 डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है, जबकि बिहार में मात्र 3 ही एयरपोर्ट है। और मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुशील कुमार मोदी जी ने उच्च सदन में अपना सवाल पूछा था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिहटा एयरपोर्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसके जवाब में उनकी ही सरकार ने बताया था कि सितंबर 2022 तक या मार्च 2024 तक जो भी उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य के हिसाब से वो 91%, 54% और 54% कार्य पूरा कर लेंगे। अभी तक कार्य तो धरातल पर दिखा नहीं है, लेकिन अगर बिहार की सरकार ने जमीन नहीं दी है तो फिर आप कार्य योजना कैसे बना पा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप उच्चतम सदन में आप इस तरह के जवाब कैसे दे पा रहे हैं? सुशील कुमार मोदी जी को हम पर आरोप लगाने से पहले जरा अपनी सरकार से एक बार पूछ लेना चाहिए। एक आखिरी बात है कि पहले बिहार में बहुत सारे एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन मुंगेर, भागलपुर, फारबिसगंज और रक्सौल के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बिहटा और पूर्णिया का जो एयरपोर्ट था वो भी मुख्यतः सेना के एयरबेस के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब लोगों के भी आवागमन की वहां सुविधा है। इसके अलावा केंद्र की सरकार ने सेबिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में वादा किया था कि एयरपोर्ट देंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी है। लोगों को जब भी ऐसा लगता है कि कहीं चुनावी माहौल में जा रहे हैं, कुछ वादे कर देने से वोटों का फायदा हो सकता है, ये लोग इस तरह के वादे कर तो देते हैं लेकिन धरातल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए सुशील कुमार मोदी जी को हम लोगों ने बिहार की आम जनता की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पूरे महागठबंधन की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है कि वो इन तथ्यों को देखें और थोड़ी सी भी राजनीतिक शर्म हो तो कम से कम बिहार के होकर, बिहारी होकर, बिहार की हकमारी पर इस तरह की सफाई ना दें। केंद्र सरकार जमीन मांग रही है बिहार। तो आपने सुना अभिषेक झा का साफ तौर पे कहना था कि सुशील कुमार मोदी ने जो कल बयान दिया है उसके ऊपर उनका कहना था कि शायद सुशील कुमार मोदी को यह जानकारी नहीं है कि हवाई अड्डा जो बनाना होता है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, पैच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसमें शायद ये जानकारी उन्हें नहीं है। अगर संविधान में वह संशोधन करवा दे और संविधान में संशोधन करवाने के बाद वो राज्य सरकार इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकती है, ऐसा अभिषेक झा का कहना था। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने और जो बयान दिए हैं पटना बिहटा, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेके, इसको भी अभिषेक झा ने साफ तौर पर नकारा है और इसके ऊपर कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहटा में जो 108 एकड़ जमीन ली है उसको अभी तक बाउंड्री तक नहीं कर पाई है और 8 एकड़ जो अतिरिक्त जमीन मांगा जा रहा है पार्किंग के नाम पर लेके, तो अभिषेक झा का कहना था कि सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सबसे पहले जो 108 एकड़ जमीन बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है उसके ऊपर बाउंड्री तो कर लीजिए, जो काम है पहले वो तो शुरुआत कीजिए। साथ ही साथ पूर्णिया में जो हवाई अड्डा है उसकी क्षमता के ऊपर भी बात कर रहे थे कि उसकी क्षमता को लेके पटना में जो एयरपोर्ट की जो क्षमता है, हवाई अड्डे की जो क्षमता है, इन सब के ऊपर भी बात की जा रही थी। और राजगीर में जो एयरपोर्ट बनना है उसके ऊपर 25 लाख सालाना यात्रियों का आवागमन के ऊपर बात हो रहा है, लेकिन इसको केंद्र सरकार जो रोक रही है वह यह कह के रोक रही है कि इसका जो टोटल जो होगा वो 60 लाख पैसेंजर का सालाना यहां पे आवागमन होगा, इसके लिए अतिरिक्त भूमि की ज़रूरत है। इसके ऊपर अभिषेक झा का कहना था कि पहले उन्होंने तमाम पटना का, पूर्णिया का, इन सब एयरपोर्ट का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यहाँ पे जब यात्रियों की इतनी ही क्षमता है तो फिर राजगीर में ऐसा क्यों रोका जा रहा है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे अभिषेक झा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।